नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और बिना इसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछला हमने एक टेस्ट सीरीज क्यों जो कि करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी, उस करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करंट अफेयर्स जो पिछले दो से तीन दिनों का महत्वपूर्ण है, जिनमें महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं, कुछ अपॉइंटमेंट है या जो भी करंट क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से संबंधित है, वो उन करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे और उन करंट अफेयर्स के बारे में जो बेसिक स्टेटिस्टिक्स है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारा डेटा है, स्टैटिक पोर्शन है, उसको भी कवर करेंगे। सो आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है, उस दूसरे लेक्चर में जो भी महत्वपूर्ण करंट है, करंट अफेयर्स है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और आज के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, रिसेंटली व्हेन वॉज द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो इसके ऑप्शन है 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों 17 अप्रैल है, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही है। अब हम जानते हैं कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, हीमोफीलिया आखिर में क्या है। तो दोस्तों हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक होता है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर डिसीज है। जो कि जेनेटिक होती है, इस डिसीज में बेसिकली जैसे अगर शरीर पे कहीं भी कट लग जाता है तो ब्लड आसानी से क्लोट नहीं होता है, तो क्लोट नहीं होने की वजह से लगातार खून बहता रहता है। उस डिसीज़ को हम हीमोफीलिया डिसीज़ जानते हैं। बेसिकली इस डिसीज़ को रॉयल्स डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रिटेन के जो राज परिवार है उसमें इस डिसीज़ को देखा गया है, इसीलिए इसको रॉयल्स डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। सो हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द रिसेंट एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 और 9 और 8। इनमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। भारत ने रिसेंटली कंडक्टेड जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप है उसमें 9 पदक जीते हैं। अब हम जानते हैं कि एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुई है। सो इस चैम्पियनशिप का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस मेजबान देश है, वो किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। सो इसके बारे में यह बेसिक जानकारी थी। अब हमारा अगला प्रश्न, हु रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक डंप ट्रक। सो हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक किसने लॉन्च किया? सो हमारे ऑप्शन है टाटा, आइसर, सैनी इंडिया या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सैनी इंडिया। सैनी इंडिया के द्वारा ही फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड इलेक्ट्रिक डंप ट्रक का लॉन्च किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक डंप ट्रक क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेत की जो सप्लाई की जाती है जिन ट्रक के माध्यम से, जो बड़े बड़े डंपर ट्रक होते हैं जिन्हें डंपर ट्रक बोलते हैं, उन्हीं ट्रक को जैसे पहले टाटा बनाता था, आइसर, अशोक लीलैंड जैसी कंपनियां उनका निर्माण करती थी। सो इलेक्ट्रिक ट्रक की निर्माणकर्ता कंपनी सैनी इंडिया है, जिन्हें पहला इंडिजीनियसली इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च किया है। सो हमारा अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रीन क्रेडिट स्कीम्स। सो हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा ही मध्य प्रदेश ने इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ग्रीन क्रेडिट स्कीम है उसमें सबसे नंबर 1 हासिल किया है। और ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम बेसिकली जो फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेड लैंड थी वहाँ पे पौधारोपण करना है, डी जनरेटेड जो
डिग्रेडेशन जिन लैंड का हो चुका है उसको रिक्लेम करना है, सोयल की फर्टिलिटी को रोकना है, ऐसे तमाम प्रावधानों के साथ इस स्कीम को लॉन्च भारत सरकार के द्वारा किया गया था। उसी स्कीम में मध्य प्रदेश के द्वारा टॉप किया गया। मध्य प्रदेश ने उस स्कीम के जो जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर कार्य किया है और नंबर वन दर्जा हासिल किया है। हमारा अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट रन इन IPL? हाल ही में IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका ऑप्शन है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर हैदराबाद, मुंबई इंडियंस एंड नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर है सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद ने 287 रन बनाए हैं और वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बनाए हैं। सो अभी तक के IPL के इतिहास में सबसे हाईएस्ट जो रन बनाए हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IPL ये IPL का कौन सा संस्करण है। तो IPL का ये 17th एडिशन है जो कि 2024 में कंडक्ट किया जा रहा है। पिछला वाला जो 2023 में हुआ था वो 16वें नंबर का था जिसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता था और रनर अप जो टीम रही थी वो गुजरात टाइटन्स रही थी। और आज अब हमारा अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज MD ऑफ IMF? MD ऑफ IMF मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर IMF का किसे रीअपॉइंट किया गया है? सो हाल ही में IMF के MD के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? सो ऑप्शन है हमारे गीता गोपीनाथ, सौम्या स्वामीनाथन, क्रिस्टिना जॉर्जिया एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है C, क्रिस्टिना जॉर्जिया। ये पहले भी IMF की MD थी। आप सभी ने देखा होगा कि G20 के टाइम पे ये भारत में आई थी और वापस से इनको रीइलेक्ट किया गया, रीअपॉइंट किया गया IMF के MD के तौर पर, मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। सो हमारा ये प्रश्न, अगला प्रश्न, अब हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ भारत पे? भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत पे के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन से अनुराग सिंह, मनीष नेगी, नलिन नेगी, अनिरुद्ध बोस। दोस्तों हमारा सही आंसर है नलिन नेगी। नलिन नेगी को ही भारत पे के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। अब भारत पे एक फिनटेक कंपनी है, भारत की ही है, जो पेमेंट सर्विस को प्रोवाइड कराती है, जिसे हम पेमेंट करते हैं बेसिकली वो सर्विस है, प्रोवाइड कराती है फिनटेक कंपनी। इस कंपनी के फाउंडर थे अश्नीर ग्रोवर, जिनमें से एक थे, फाउंडिंग मेंबर थे, जो चर्चा में अक्सर रहते हैं। और भारत पे की स्थापना 2018 में की गई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CEO बेसिकली दो तीन टर्मिनोलॉजी में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसी प्रकार एक टर्मिनोलॉजी होती है चीफ CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये दो टर्मिनोलॉजी होती है जो अक्सर न्यूज में रहती है। सो हमारा अगला प्रश्न, हु टॉप्स द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स? हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? सो हमारे ऑप्शन है रशिया, चाइना, इंडिया एंड USA। तो इसका आंसर है रशिया। रशिया ही अभी हाल ही में रिलीज साइबर क्राइम इंडेक्स में फर्स्ट पर रहा है और भारत की इसमें रैंकिंग, भारत इसमें 10वें नंबर पर रहा है साइबर क्राइम इंडेक्स में। अब भारत में जैसे साइबर क्राइम की बात आई है, तो भारत में साइबर क्राइम से डील करने के लिए सबसे बड़ी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्ट इन, यह शॉर्ट फॉर्म है उसका, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। ये नोडल एजेंसी है जो भारत में साइबर क्राइम से संबंधित जितने भी केसेस है उनको डील करती है और उनसे संबंधित नीतियों का निर्माण करती है और इम्प्लीमेंट करने का कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न, रिसेंटली इन विच कंट्री ब्रिटेन हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट वीमेन हाई कमिश्नर लिंडी कैमरून? हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? सो इसके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूक्रेन, सऊदी अरबिया। दोस्तों इसका सही आंसर है, हमारा आंसर ए भारत। भारत में ही ब्रिटेन ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त का नियुक्ति किया गया जिनका नाम लिंडी कैमरून है। सो ये याद रखिए, चर्चित महिलाओं में ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है जो कि हमारे MPPSC के या आगामी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न,
who has been appointed as the national women's hockey coach recently. हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मानवेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, नन ऑफ दिस. सो इसका सही आंसर है हरेंद्र सिंह. हरेंद्र सिंह को ही भारत में अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है. सो आज का जो से हॉकी है तो हॉकी में वीमेंस हॉकी की मैं कैप्टन आपसे बताना चाहता हूँ. वीमेंस हॉकी की जो कैप्टन है वो है सविता पूनिया. और महिला हॉकी के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह. सो आज ही के साथ हमारा करंट अफेयर का ये टॉपिक समाप्त होता है. जो पिछले 2 से 3 दिनों के थे करंट अफेयर्स थे, अपॉइंटमेंट थी, वो हमने कवर किए. अब अगले दिन हम महत्वपूर्ण चर्चित महिलाओं के बारे में एक सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे, जो आपको विनाइस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा. और इसका PDF आपको विनाइस के टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है उससे भी मिल जाएगा. और आप सभी को विनाइस जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लेना है, जिस पर फ्री में टेस्ट सीरीज का कुछ टॉपिक क्विज के माध्यम से आपको अवेल कराए जाएंगे. वहाँ पर मैगजीन्स होंगी, वहाँ पर करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे और विभिन्न प्रकार की जो जो सुविधाएँ आपको काम आ सकती है वो सभी उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अवेल कर सकते हैं. इसी के साथ आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं. जय हिंद, जय भारत.